नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हासी की आवाज। दीपावली अभी अभी दो दिन पहले गई है। बैन के बावजूद भी पटाखों की गड़गड़ाहट बहुत तेज थी और बहुत ज्यादा स्मोक और पॉल्यूशन भी रहा, जिससे एक्यूआई लेवल जिसे बोलते हैं कि वो बढ़ गया है और 417 के लगभग हो गया है, जो नॉर्मल 100 होना चाहिए। उसके बाद डेंगू के पेशेंट कितने आ रहे हैं, लार्वा पांव पसारा, यह सब जानने के लिए आज हम हांसी के सामान्य हॉस्पिटल जीएच हांसी जिसे बोलते हैं वहां बैठे हैं। और हमारे साथ हैं एक बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर कामिन मौगा जी। इनसे सब कुछ जानेंगे कि पॉल्यूशन से कैसे बचा जाए और डेंगू से कैसे कैसे प्रिकॉशन की जाए, डेंगू का लार्वा भी पांव पसारा। नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो डॉक्टर मौगा, हांसी की आवाज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, खैर मकदम है। नमस्कार जी, मेरे यहाँ हांसी की आवाज का बहुत आभारी हूँ कि आज दिवाली के उपरांत इस मौके पर जब पूरे देश में एक स्मॉग फैला हुआ है तो लोगों को जागरूक करने के लिए आप हमारे पास आए, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद। डॉक्टर, स्मॉग जिसे कहते हैं AQI लेवल, वो एकदम से 417 हो गया, नॉर्मल कितना होना चाहिए ये, और इसकी क्या क्या डिमेरिट्स हैं, क्या बॉडी के ऊपर हेल्थ पे इफेक्ट करता है? देखिए, अक्सर देखने में आया है जैसे ही सर्दियां आती हैं और दिवाली के उपरांत ये एक लेवल जिसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये नॉर्मल 100 से नीचे होना चाहिए और आज का है 417, जो कि पोल्यूशन बोर्ड की साइट पे शो हो रहा है, जो कि आम इंसान के लिए काफी हानिकारक है, जिसमें खास करके बच्चे और बुजुर्ग, इनको सांस लेने में दिक्कत, खांसी, गले में दर्द, आंखों में जलन, ये सब फील होना हो सकता है। और इन सब से बचने के लिए बच्चों और बुजुर्गों को खास करके घरों पे रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर फिर भी किसी कारणवश बाहर निकलना पड़ता है तो मास्क लगा कर निकले और अपनी आंखों को पानी से बार बार धोते रहें। स्मॉग जब मॉइस्चर ज्यादा होता है या कम होता है, कैसे कम आता है, इन दिनों में स्मॉग क्यों हो जाता है? इन दिनों में स्मॉग होने के कई कारण है। जिस घर में खाटू वाले की या फिर जैसे ही पटाखों की वजह से जो धुआं उठता है जो कि हानिकारक है, वो वातावरण में मॉइस्चर की वजह से नीचे नहीं बैठ पाता, तो ये स्मॉग का रूप दे देता है। मॉइस्चर और धुआं मिलकर स्मॉग बनाते हैं। मॉइस्चर और स्मॉग जो है एक स्मॉग बनाते हैं जो लेवल नीचे आ जाता है डायरेक्ट। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डेंगू का लार्वा पांव पसार रहा है, डेंगू का डंक जो है फैलता जा रहा है, क्या अन्य हॉस्पिटल आपको नोटिस में लाते हैं इस बीमारी के, कितने पेशेंट आ रहे हैं? देखिए, डेंगू एक नोटिफाइड डिजीज है, तो अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में डेंगू के मरीज आता है या उसको कंफर्म हो जाता है डेंगू है, तो उसकी जानकारी सिविल अस्पताल के IDSP यूनिट पे देनी अनिवार्य है। अगर कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं करता पाया जाता तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए सिविल सर्जन ऑफिस बाध्य हो जाता है। लार्वा चेकिंग के लिए टीमें भेजी हुई है आपने, क्या जैसे ही रेगुलर बेसिस पे हमारी टीमें लार्वा चेक करने के लिए विजिट करती रहती हैं, उनके एरिया हमने डिफाइन कर रखे हैं कि इस एरिया में ये टीमें जाएंगी, और जैसे ही हमें पता लगता है कि इस एरिया में कोई डेंगू का केस निकला तो उसके आसपास के 50 घरों में हमारी टीमें जाके मास्क सर्वे करती हैं, दूसरे के मरीजों को पहचानती हैं और उनकी स्ट्राइड्स बनवाती हैं, उनकी टेस्टिंग करवाई जाती है। कितने केसेस रोज आ रहे हैं साहब? ये तो हो ही गई है जी, अभी तक पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट में आज से 35 के लगभग केसेस आए हैं और अब तक कुल 500 के लगभग केसेस 4 डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। प्रिवेलिंग कितने हैं? इसका अभी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके हॉस्पिटल में एस्टेब्लिशमेंट कितनी है डॉक्टर्स के साथ?
देखिए डॉक्टर्स हमारे पास सिर्फ चार ही बचे हैं, मेडिकल ऑफिसर जो चार हैं, जो कि कैजुअलिटी, ओपीडी, पोस्टमार्टम और बाकी सारे कार्य के लिए हैं, और एक एसएमओ है। रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायरमेंट 11 डॉक्टर। क्या वो गायनी की है? नहीं, गायनी के सिर्फ दो एडी डॉक्टर्स हैं, एक सिसाई से, एक सोलकी से, वो ड्यूटी पेरिफेरी से आके। फिजिशियन नहीं है? नहीं, कोई चार्ज स्पेशलिस्ट नहीं है, नहीं है। ऑर्थोपेडिशियन नहीं है? नहीं है। सर्जन नहीं है? नहीं। आई स्पेशलिस्ट है? आई स्पेशलिस्ट है। तो जो आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन है वो कितने दिन से बंद पड़ी है? वो कई एक लगभग कोविड के टाइम से ही बंद पड़ी है। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर लगा लीजिए, या फिर डॉक्टर जो डॉक्टर हैं वो अन्य कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, इसकी वजह से। ऑक्सीजन प्लांट लग गया, लेकिन इसकी यूटिलिटी क्या है? तो डॉक्टर ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है, बट अभी इतने ऑक्सीजन के लायक पेशेंट नहीं है जो कि उनको जरूरत पड़े, इसके लिए हम इसको। डेंगू का ट्रीटमेंट लगभग हो जाता है? डेंगू के लिए लगभग पर पेशेंट है एडमिट के बुखार के। प्लेटलेट इन्फ्यूजन होता है? प्लेटलेट इन्फ्यूजन इस आदमी की अवेलेबल है, यहाँ पे फिजिशियन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर कामिंग बोंगा, जिन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में 11 डॉक्टर्स की जरूरत है लेकिन मात्र 4 है, और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण प्लेटलेट भी हिसार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही चढ़ाए जाते हैं। और अन्य सुविधा जैसे कि बता रहा था कि मैं कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टर्स के अभाव के कारण बंद है, तो काफी डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर साहब ने स्वयं स्वीकारा है। देखते रहिए हाँसी की आवाज।